यो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस आज जैसे कि आप थंबनेल से तो समझ ही गए हैं, बॉम्बे मसाला तवा पुलाव बनाने जा रहे हैं आज हम, बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट तवा। बहुत लोगों के घर पर इतना बड़ा तवा नहीं होता कि वो ज्यादा क्वांटिटी में बॉम्बे जैसा तवा पुलाव बना सके। उसकी सीक्रेट रेसिपी है, बनाएंगे तो कढ़ाई में ही, कुछ अलग कुछ डिफरेंट। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अगर सिंपल लगे तो भी लाइक कर देना, क्या कमी लगी वीडियो में वो जरूर बताना कमेंट करके, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे है यार, कमेंट करो आपके लिए जो भी स्पेशल, मतलब आप जो कहोगे वो मैं ट्राई करूंगा, पूरा 100% दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो शुरू। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने चार से प्याज भूननी है, उसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे जो कि कच्चे आलू हैं दो, और एक गाजर डाल दिए यहाँ पर हमने। और जो प्याज का सीन था ना गाइस, वो मेरे से गलती से कट हो चुका है, तो यार प्लीज़ सॉरी इस बात के लिए। पर ये चार से प्याज पे आ जाए, उन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं कराए, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें डाल दिए आलू गाजर। उन्हें थोड़ा पकाने के बाद डालेंगे शिमला मिर्च, और जो रेसिपी बता रहा हूँ ना मज़ा ही आने वाला है आपको। इसमें डालेंगे मटर, ये मेरे पास जो फ्रोज़न है ना वो वाली मटर नहीं है, एकदम फ्रेश मटर है ये, और देख सकते हैं सब्जी को मैंने ज़्यादा भूना नहीं है। क्या है इनको एक साथ भूनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, थोड़ा कच्चा कच्चा सा। यहाँ पर दो टमाटर डाल दिए साथ ही के साथ इसमें, ये भी अच्छे से भुन जाएंगे। आलू मटर गाजर, मज़ा ही आ जाने वाला है दोस्तों आपको इस रेसिपी को देखने के बाद। इसे थोड़ा ढक देंगे ताकि सब्जियाँ हो जाए सॉफ्ट। अब देखिए सब्जियाँ हो चुकी हैं थोड़ी सॉफ्ट, उसमें डालेंगे थोड़ा नमक जिससे थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो गाजर मुंह में आए या फिर मटर मुंह में आए, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए डाल देंगे थोड़ा सा नमक और सब्जियों को बिल्कुल पका लेंगे। देखिए सब्जी कुछ इस तरीके से पक चुकी है, अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच के करीब हल्दी। ये मैं खूब सारा पुलाव बना रहा हूँ दोस्तों पूरी फैमिली के लिए, तो क्वांटिटी ज़्यादा डाली है मैंने। दो चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, दो चम्मच धनिया का पाउडर, इसको देंगे अच्छे से मिला। सारे बेसिक मसाले हैं जो कि हर किसी के किचन में मिल ही जाते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक स्पेशल मसाला आएगा जो कि आप सभी को पता है कि तवा पुलाव में डलता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें पहले थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा। ये रहा वो मसाला, ये है पाव भाजी मसाला। जी हाँ दोस्तों आपको पता ही होगा तवा पुलाव में पाव भाजी मसाला तो डलता ही है। दो चम्मच मैंने अब डाल दिया, दो चम्मच मैंने बाद में डाल दिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अभी डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे जो मसाला है ना अच्छे से पक जाना चाहिए, मतलब मसाला चिपके भी ना और पक भी जाए। थोड़ा सा पानी डाला है और एक दो मिनट के लिए पका लेंगे, जो कच्चापन है ना मसाले का वो निकल जाए और खुशबू आ जाए एकदम बढ़िया। यहाँ पर लिया एक कटोरा राइस, दोस्तों ये मेजरमेंट बिल्कुल सेट है अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो। एक कटोरा चावल है तो 3.5 कटोरा या 4.25 कटोरे भरकर पानी डाल दीजिए उसमें, अब कम पड़े तो बाद में थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये डाल देंगे इसमें पानी और चावल सारे, और इसे अच्छे से देंगे एक मिक्स। अभी थोड़ा पानी और ऐड करूँगा, मैंने कम किया है ऐड, और पूरा पानी ऐड करके एक बॉयल आने देंगे कुछ इस तरीके का। अब इसमें फाइनली जो मेन चीज़ है वो डाल देते हैं, ग्रीन चिली, दो ग्रीन चिली डाली है एकदम स्पाइसी बनाएंगे, और थोड़ा सा धनिया हरा धनिया, और दोस्तों एक मेन इंग्रेडिएंट पनीर। पनीर तो बहुत ही ज़्यादा जान डाल देगा, और मैंने बाद में इसलिए डाला है कि अगर आप पनीर को पहले डाल दोगे ना वो घुल मिल जाएगा, वो टेक्स्चर नहीं आएगा मसालों के साथ बिल्कुल, मतलब सोच सकते हो ना बिल्कुल एकदम हलवा बन जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, पनीर का टेक्स्चर चाहिए। इसलिए हमने एक बॉयल आने के बाद ऊपर से डाला है जिससे वो प्रॉपर बाइट में आए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो इसे थोड़ा पकाते हैं मीडियम गैस पर कम से कम आधे घंटे के लिए, और कुछ आधे घंटे बाद हमारा ये हाल है, पुलाव ऑलमोस्ट हमारा, तवा पुलाव ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। बस हल्का हल्का जो पानी रह गया ना वो पकाना है। और गाइस आपका तवा पुलाव बिल्कुल रेडी है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं, आप इसे पका लीजिए, आपका रेडी है, पानी सुखा लीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना पसंद आए तो।